हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिस साइड मतलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो के बीच में ये दूसरी वीडियो शूट कर रही हूँ मैं ज़ू के लिए। जैसे कि आपको पता है, हम कल ज़ू आए थे, तो मैं अलग से वीडियो डाल रही हूँ ज़ू की, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है वो एक वीडियो। ये ग्रीनरी के बीच में ज़ू बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है, इसी को आपको दिखाऊँगी आज। ईद की छुट्टी थी और गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बहुत लोग आए हुए थे घूमने के लिए और काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं इस ज़ू में। पहले से बहुत सुंदर बना दिया गया है और इस ज़ू का नाम अब देहरादून ज़ू हो गया है। पहले ये मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था। ज़्यादा एनिमल्स नहीं हैं यहाँ पे, बट जो सबसे अच्छा पार्ट लगा मुझे यहाँ पे, वो लगा एक्वेरियम, बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो ग्रीनरी है, ऑब्वियसली देहरादून में है तो ग्रीनरी चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो कितनी भी गर्मी हो, आपको गर्मी महसूस ही नहीं होगी यहाँ पे, पेड़ों की छाँव में आप चलते रहेंगे। तो बर्ड्स यहाँ पे बहुत अच्छी हैं जो मैंने कवर करा है। और जो मेन अट्रैक्शन यहाँ का है, वो है एक लेपर्ड, जो पूरे ज़ू में इकलौता लेपर्ड है, और उसी को मैंने इसमें कवर किया है। ये सब डियर एट्सेट्रा तो यहाँ पे थी ही, हर ज़ू में होती हैं। ये रहा वो लेपर्ड जो कि बाहर नहीं आ रहा था, अंदर ही घूम रहा था। तो जो ज़ू का केयर टेकर था, उसने उसको पानी और डंडा दिखा के बाहर लेके आया वो, और तब जाके हमें ये देखने को मिला, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। तो बहुत ही वीक था ये भी, ज़्यादा हेल्दी नहीं था। और दूसरा जो ब्यूटी है वहाँ की ज़ू की, वो देखने लायक है। ये पूरा जो पार्ट है, ये सिर्फ कैक्टस की वैरायटीज़ को लेके बनाया गया है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली इसको उन्होंने मेंटेन किया है। देखने से ही लग रहा है कि कितना सुंदर लगेगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे। दूसरा, ये एक्वेरियम के लिए यहाँ से हमने टिकट लिया, और ये अंदर काफ़ी सारी फ़िश की वैरायटीज़ हैं जो हमें अंदर देखने को मिली, और टेम्परेचर पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर कई सारी फ़िशेस देखने को मिली हम लोगों को, और बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ये देखिए, ये तो ओपन एरिया में ही था, जो एंटर करते ही हम लोगों को ये फ़िश यहाँ पे देखने को मिली। इतना बड़ा सा इतना बड़ा सा स्पेस लेके उन्होंने इसमें फ़िश डाली हैं, और बहुत सुंदर सजाया है इसको यहाँ पे। और उसके बाद जब हम अंदर एंटर करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ दिखी हमें फ़िश की, और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है अंदर भी। डिफरेंट जो फ़िश हैं वो आप देखेंगे, खुद आपको खुद लगेगा, कई चीज़ें, कई फ़िश ऐसी होंगी जो आप फ़र्स्ट टाइम देखेंगे, और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखी हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फ़िश यहाँ देखने को मिली हमें, ऑफ़ डिफरेंट वैराइटीज़। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, बाकी फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। Thank you.
बर्ड्स की वैरायटीज़ भी यहाँ पे हैं काफ़ी, तो उनको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत क्लोज से हम लोगों को दिखे। और बाकी जो नहीं दिखने थे वो पेड़ों के पीछे जाके छुप जाते थे, बट फिर भी वेट करने पे हमें देखने को मिल गए। और सबसे बड़ा जो दूसरा यहाँ का एक पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट है, वो है कि आप एडवेंचर पार्क में जाके यहाँ पे एडवेंचर पार्क भी है, नेट पे आप चल के जा सकते हैं, जैसे कमांडो की ट्रेनिंग होती है नहीं है तो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आके, बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, शायद जब हस्बैंड आएंगे उनके साथ ट्राई करा जाएगा। आप कितनी भी धूप हो बड़े आराम से घूम सकते हैं। देखिए दोनों साइड लाइन से जो हैं वो ट्रीज़ हैं, जिसकी छाया में आप बहुत आराम से घूम के बहुत अच्छे से सब देख सकते हैं, तो धूप की कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। फन पार्क में बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, खूब झूले झूले। और इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने भी इस व्लॉग को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा, और कभी भी आप ज़ू आएंगे देहरादून के तो आपको ये वीडियो ज़रूर याद आएगा, और आपको ज़ू घूमना भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर।